नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में रविवार को खेले गए अहम मुकाबले में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। भारत की ये लगातार दूसरी हार है। इस हार के साथ ही टीम इंडिया का सफर अब लगभग खत्म सा हो गया है। भारत के सेमीफाइनल में पहुँचने की संभावना अब बहुत कम बची है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भारतीय टीम का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। टीम में कई बल्लेबाजी क्रम से लेकर कई बदलाव किए गए, इसके बावजूद टीम को हार का सामना करना पड़ा। इसको लेकर भारतीय टीम लोगों के निशाने पर आ गई है। कई पूर्व क्रिकेटरों ने भारतीय टीम की कड़ी आलोचना की है। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर और पूर्व ऑलराउंडर मदन लाल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी क्रम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मुकाबले में रोहित शर्मा को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करवाना और लोकेश राहुल और ईशान किशन के साथ पारी की शुरुआत करने का फैसला समझ से परे है। आज तक के क्रिकेट पर एक शो में मदन लाल ने कहा, ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन इन दोनों मैचों में भारतीय टीम सामान्य से अधिक आतुर दिखी। अगर आप रन नहीं बनाते हैं तो मैच में आपके लिए मौके कम हो जाते हैं। 111 रन का लक्ष्य तभी बचाया जा सकता था अगर कोई चमत्कार हो जाता। भारतीय टीम को दोनों मैचों में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। इस फॉर्मेट में अगर आप शुरुआत में ही बढ़त नहीं बनाते हैं तो वापसी मुश्किल हो जाती है। इसी कार्यक्रम में पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी टीम इंडिया की रणनीति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ईशान किशन जैसे युवा खिलाड़ियों को पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए थी। गावस्कर ने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या ये असफल होने का डर था, लेकिन बैटिंग ऑर्डर में उन्होंने जो भी बदलाव किए वे सही साबित नहीं हुए। रोहित शर्मा कमाल के बल्लेबाज हैं, उन्हें तीसरे नंबर पर भेजना, कोहली ने खुद नंबर तीन पर कितने रन बनाए लेकिन वे चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए, ईशान किशन जैसे युवा खिलाड़ी से पारी की शुरुआत की गई। भारतीय दिग्गज ने कहा कि ईशान किशन एक हिट या मिस खिलाड़ी हैं, ऐसे बल्लेबाज को नंबर चार या पाँच पर बैटिंग करनी चाहिए। वो मैच की परिस्थिति के हिसाब से खेल सकते हैं। अब आपने क्या किया? रोहित शर्मा को बताया कि हम आप पर भरोसा नहीं हमें आप पर भरोसा नहीं है कि आप ट्रेंट बोल्ट की बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी को खेल सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे खिलाड़ी जो कई साल से इस पोजीशन पर खेल रहा है को ये संदेश देते हैं तो वो भी अपनी क्षमता पर संदेह करने लगता है। बता दें कि रविवार को दुबई में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई और 20 ओवर में सिर्फ 110 रन ही बना सकी। जवाब में न्यूजीलैंड ने 14.3 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर विजयी लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।